प्रशासन के द्वारा लगाए गए कोरोना कर्फ्यू में निर्धारित मंडी को खोलने व बंद होने के समय को मंडी प्रशासन ने समाप्त कर दिया है, जिसके संबंध में नवीन महवा मंडी के सचिव सेवाराम वर्मा ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के समाप्त होने के बाद नवीन महवा मंडी में निर्धारित समय को समाप्त कर दिया गया है। अब मंडी पूर्व की भांति निर्धारित समय पर खुलेगी व बंद होगी। उन्होंने बताया कि मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है तथा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि मंडी में सभी वस्तुओं की आवक भरपूर है और व्यापारी पूरा लाभ उठा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडी के सचिव सेवाराम वर्मा ने कहा, मंडी में इस समय किस तरह संचालित है? लॉकडाउन मंडी में समाप्त हो गया है, जैसा कि पूरे प्रदेश में हुआ है, तो मंडी अब पूर्व की भांति चल रही है। जैसे गल्ला मंडी चलती थी, 10-11 बजे शुरू होती थी, शाम को 7 बजे तक, इसी तरह सारी मंडियाँ जैसे जिस उनकी जो पूर्व की टाइमिंग थी उसी रूप में चल रहे हैं। और ये ध्यान रखा जा रहा है कि लोग दूरी बनाकर क्रय विक्रय करें, मास्क लगाए रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और मंडी में नियमित रूप से ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम से ये प्रचारित किया जा रहा है कि दूरी बना के चलें और क्या क्या सावधानियाँ ये कोरोना के लिए बरतें। कैमरे से निगरानी भी की जा रही है? जी हाँ, सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, उससे भी देखते रहते हैं। अगर कहीं भीड़ है तो तुरंत वहाँ पर गार्ड्स को भेजता है, संबंधित इंस्पेक्टर को भेजता है कि ये भीड़ को नियंत्रित करें, भीड़ ना होने पाए, लोग एक दूसरे से फटने ना पाएं। और ये बरसात का दिन है, थोड़ा आवक तो कम है, लेकिन लोकल आवक जैसे हरी सब्जियां हैं तो लोकल ही है, तो लोकल यहाँ पर प्रायः क्षेत्रों में छोटे छोटे मार्केट्स में बिक जाता है। सरप्लस इतना नहीं है कि यहाँ से कोई बाहर जाए, इतना है कि लोकल आवक होने के कारण बाहर से आवक कम हो जाती है। भरपूर मंडी में हर चीज़ की आवक भरपूर है, कोई कमी नहीं है और रेट भी नियंत्रित ही है।